म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए एक डॉ फाइनलाइज करना बहुत ही कंफ्यूजिंग टास्क हो सकता है, चाहे आप पहली बार कोई डॉ सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर एक नए डॉ पे आप शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, थोड़े टाइम पहले मैं क्यूबेज यूज़ कर रहा था काफ़ी साल तक, वहाँ से मैं एबल्टन लाइव पे शिफ्ट हुआ। लेकिन ये वीडियो एबल्टन के बारे में नहीं है, एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगा कि एबल्टन के बारे में ज़्यादा ना हो। आप तो जानते हैं एबल्टन लाइव यूज़र्स का स्टीरियोटाइप कन्वर्ट करने की फिराक में रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने एक 5-स्टेप प्रोसेस शेयर करूंगा जिसका यूज़ करके मैंने फाइनलाइज किया अपने लिए एक डॉ। स्टेप नंबर 1 इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल DAWs इन योर बजट। मैं आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता हूँ, एक तो हो जाएगा एबल्टन लाइव, फिर FL स्टूडियो, अगर मैक यूजर्स हो तो लॉजिक प्रो भी कंसिडर कर सकते हो, उसके बाद क्यूबेस जो मैं यूज़ कर रहा था काफ़ी साल तक, क्यूबेस से ही मिलता जुलता एक और है जो है स्टूडियो 1, उसके बाद जो बड़े कमर्शियल स्टूडियोज में बहुत सालों तक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रहा है दैट इज प्रो टूल्स, वो भी ट्राई कर सकते हो। और इस लिस्ट में लास्ट में मेंशन करना चाहूंगा बिटविक स्टूडियो, जो कि मुझे लगता है काफी अंडररेटेड डॉ है। स्टेप नंबर 2 इज आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट टू अचीव विद अ डॉ। अब आप बोलोगे कि म्यूजिक बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ही जनरलाइज चीज हो गई, आपको डिटेल्स में जाना होगा कि आपका वर्क फ्लो किस तरह का रहने वाला है। आप हार्डवेयर के साथ काम करने वाले हो या फिर सिर्फ माउस और कीबोर्ड के साथ काम करने वाले हो, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स की रिकॉर्डिंग ज्यादा होने वाली है या फिर लूप्स के साथ सैंपल्स के साथ ज्यादा काम करने वाले हो। इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक जो लोग पहले से म्यूजिक बना रहे हैं उनके लिए आंसर कर पाना आसान होगा, जो लोग कंप्लीट बिगिनर्स हैं उनके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट में दे सकता हूं, आपको उस डायरेक्शन में रिसर्च करनी है। अभी जो हर एक डॉ का मैं डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूं वो ओवर सिंप्लीफिकेशन है, हर एक डॉ उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, ऑलमोस्ट हर एक डॉ पे आप जिस भी तरह का म्यूजिक चाहते हैं वो बना सकते हैं। लेकिन फिर भी सारे डॉस की कुछ कुछ खासियत है, जैसे कि FL स्टूडियो मैंने पहले भी रिकमेंड किया हुआ है कंप्लीट बिगिनर्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी एक्सटर्नल गियर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इवन MIDI कीबोर्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप कंप्यूटर के ही कीबोर्ड पे और माउस का यूज़ करके म्यूजिक बनाना चाहते हो, आपने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, जिन लोग को इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है उन्हें काफ़ी कंबरसम प्रोसेस लगेगा, लेकिन जो लोग बिल्कुल भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जानते, बीट मेकिंग में इंटरेस्टेड है, शायद उनके लिए FL स्टूडियो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, तो उसको अपनी लिस्ट में रखिए। बाय द वे लेट मी ऑल्सो क्लेरिफाई कि इस तरह से इनपुट दे के म्यूजिक बनाना बाकी डॉज में भी पॉसिबल है, इट्स जस्ट दैट FL स्टूडियो इन माय ओपिनियन मेक्स इट अ लॉट ईजियर। फिर आता है Ableton Live। अगर आप लोग प्रिडोमिनेंटली लूप्स और सैम्पल्स के साथ काम करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, लाइव परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड हैं आगे चल के, बीट एज अ सोलो परफॉर्मर और विद अ बैंड, या फिर आप अपने डॉ के साथ का हार्डवेयर इंटीग्रेशन बहुत अच्छा चाहते हैं, इन केसेस में आप लोग Ableton Live डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं व्हेन इट कम्स टू MIDI कंट्रोलर्स विच आर स्पेसिफिकली डिजाइंड टू वर्क वेल विद Ableton Live। जो लोग स्टूडियोज में काम करने का सोच रहे हैं, स्टूडियो से मेरा मतलब है कमर्शियल सेमी कमर्शियल काइंड ऑफ स्टूडियो, जहाँ पे आप लाइव इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले म्यूजिशियंस के साथ काम करने वाले हैं, लाइव रिकॉर्डिंग ज़्यादा होने वाली है, उन लोग के लिए ये कुछ डॉज हैं वो अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं, स्टार्टिंग विद प्रो टूल्स, क्यूबेस और अगर मैक यूजर्स हैं तो लॉजिक प्रो। और हाँ, स्टूडियो 1 को भी मैं इसी कैटेगरी में प्लेस करना चाहूँगा। कुछ लोग के दिमाग में सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या हम लाइव इंस्ट्रूमेंट्स Ableton Live या FL स्टूडियो के साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते? उनके साथ भी कर सकते हैं, बट वेन इट कम्स टू ह्यूज प्रोजेक्ट्स डीलिंग विथ लाइव ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो एडिटिंग, तो इस केस में इवन दो Ableton Live और FL स्टूडियो भी वो प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ वो नहीं है। एक बार आप अगर डेमो यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हाँ, एक डॉ मेंशन करना रह गया इस लिस्ट में, जो लोग Ableton Live कंसिडर कर रहे हैं, जिनको उसका सेशन व्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो पसंद आया है, आप लोग बिटविक स्टूडियो भी डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। कुछ चीज़ें जो मुझे बिटविक स्टूडियो की काफ़ी पसंद आई वो है कि द वे इट लेट्स यू मॉड्यूलेट डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ एनी प्लगइन, Ableton Live में भी पॉसिबल है, बट आई थिंक बिटविक का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफ़ी बेटर है। उसका दूसरा फीचर है सैंडबॉक्सिंग का, कि जैसे कोई एक प्लगइन आपका क्रैश हो जाता है Ableton Live के प्रोजेक्ट में तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको क्लोज करना पड़ सकता है, लेकिन इन केस ऑफ बिटविक स्टूडियो अगर एक प्लगइन क्रैश होता है किसी एक ट्रैक पे, उसका इफेक्ट जो है वो बाकी प्रोजेक्ट पे नहीं पड़ेगा, ओनली दैट प्लगइन विल स्टॉप फंक्शनिंग। और जो सबसे यूनिक फीचर है बिटविक स्टूडियो का, दैट इज द ग्रिड। जो लोग सिंथेसिस में, मॉड्यूलर सिंथेसिस में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोग को ये फीचर काफ़ी पसंद आएगा। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ लोगों ने ब्राउजर में दूसरा टैब ओपन करके एक आध डॉ डाउनलोड के लिए जरूर रख दिया होगा। बता रहा हूं मैं कुछ आगे। पॉइंट नंबर 3, वॉच हंड्रेड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑफ पीपल मेकिंग म्यूजिक ऑन द डॉज यू हैव सिलेक्टेड। अभी आगे के कुछ दिन सिर्फ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखने में बिताओ, बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक के हो सके उतने वीडियोस देखो। जो भी 2-3 डॉ आपने सिलेक्ट किए हैं, ऑब्जर्व करो कि उसका लेआउट, उसका वर्क फ्लो, वो आपको
क्या फील करवाता है। अपने कोर इमोशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चूजिंग अ डॉ इज लाइक चूजिंग अ लाइफ पार्टनर। अगर बंदा या बंदी आपको प्रोफाइल से या फिर बायोडेटा से ही पसंद नहीं है तो फिर आगे जाके मिलने का क्या पॉइंट है। सो शॉर्टलिस्ट योर पोटेंशियल लाइफ पार्टनर जिसके साथ फिर आगे आप डेट पे जा सको, ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सको। सो नाउ द स्टेप कम्स, स्टेप नंबर 4, ट्रायल वर्जन। अब इस स्टेप में अगर आपको एक से ज्यादा डॉ पसंद आए हैं तो क्या सभी के ट्रायल वर्जन एक साथ डाउनलोड करें? अगर आपकी लिस्ट 2-3 से ज्यादा लंबी नहीं है तो कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ ऐसा रेकमेंड करूंगा। पहले तो उन्हें रेटिंग दो, आपकी टॉप प्रायोरिटी पे कौन सा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है वहां से आप स्टार्ट करो। जो लोग पहले से म्यूजिक प्रोडक्शन जानते हैं उन लोग के लिए शायद एक हफ्ता भी इनफ है टू सी वेदर इट वर्क्स फॉर देम और नॉट। बिगिनर्स के लिए एटलीस्ट एक महीने का टाइम मैं रेकमेंड करता हूं कि हर रोज एक घंटा निकालिए। बिफोर दैट डोंट ट्राई टू जज द डॉ वेदर यू आर कंफर्टेबल विद इट और नॉट। और अगर पहली ही चॉइस आपको बहुत पसंद आ जाती है, डिस्पाइट दैट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप अपनी जो बाकी की चॉइसेस हैं वो भी कुछ दिनों के लिए ट्राई आउट जरूर करें टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि जो आप डिसीजन लेने वाले हैं वो आपके लिए सबसे सही डिसीजन है। इस स्टेप में मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देता हूं। मेरी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे लॉजिक प्रो था, सेकंड नंबर पे एबल्टन लाइव और थर्ड पे मैंने रखा था बिटविक स्टूडियो। तो मैंने लॉजिक प्रो पे अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते तक काम किया। उसके बाद आई रियलाइज्ड के जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहा है। उसके बाद मैंने ट्राई किया एबल्टन लाइव, इमीडिएटली लाइक द एक्सपीरियंस। हालांकि कुछ चीज़ें अभी भी ज़रूर हैं जो कि मैं क्यूबेस में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट एबल्टन वॉज एग्जैक्टली वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर। एबल्टन को लेके 100% श्योर होने के बावजूद जो मेरी लिस्ट में मैंने थर्ड नंबर पे रखा था बिटविक स्टूडियो, मैंने उसे भी कुछ दिन के लिए ट्राई ज़रूर किया और मुझे पसंद भी काफ़ी आया। मैं समझ पाया कि क्यों कुछ लोग एबल्टन छोड़ के बिटविक पे शिफ्ट हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे पर्सनल यूज़ केस में एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ मैं अपनी चॉइस को लेके 100% श्योर हो पाया कि एबल्टन ही मेरे लिए अभी परफेक्ट चॉइस रहने वाला है। इसलिए आप लोग भी पहला डॉ पसंद आ भी जाए तो लिस्ट में जो बाकी डॉज हैं वो भी ट्राई जरूर करें। लास्टली स्टेप नंबर 5, वॉट इफ देर इज अ टाई। दो अलग अलग डॉ आपको इक्वली पसंद आते हैं तो क्या करोगे? तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है विच हैपन्ड विद मी। तो ऐसे में डिसीजन कैसे लेना है? तो देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस चैनल की ऑडियंस में खुद से म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने वाले, मतलब घर पे बैठे यूट्यूब वीडियोस देख के म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने वाले लोग ज्यादा हैं। तो आपको ऐसा डॉ चूज करना है जिसकी कम्युनिटी बड़ी हो, जिसके लर्निंग रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो यूट्यूब पे और बहुत सारे अवेलेबल हो। अगर आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देना चाहूं तो भले कुछ लोगों में बायस्ड लगूं थोड़ा, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ सालों में तो FL स्टूडियो और एबल्टन लाइव की कम्युनिटी बाकी डॉज के कंपैरिजन में एटलीस्ट यूट्यूब के केस में बड़ी है। लर्निंग रिसोर्सेज, ट्यूटोरियल्स के ऑप्शन क्वांटिटी में और शायद कुछ केस में क्वालिटी में भी इन दोनों डॉज के जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं। एक और ऑप्शन जो आप टाई ब्रेकर के केस में यूज़ कर सकते हो वो है कि इवेल्यूएट अदर बेनिफिट्स। तो जैसे कि बिटविक और एबल्टन के बीच में मैं कंफ्यूज था, तो एक तो ये बात हो गई कि यूज़र कम्युनिटी मुझे ज़्यादा एक्टिव लगी एबल्टन की कंपेयर टू बिटविक। दूसरा एक मेजर एडवांटेज जिसने मुझे एबल्टन की तरफ पुश किया, पन इंटेंडेड, वो ये था कि बहुत सारे हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स एबल्टन के इर्द गिर्द बिल्ड करते हैं। जैसे कि म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए मेरे को आईपैड का यूज़ बहुत पसंद है और बहुत सारी आईपैड और iOS एप्स जो हैं वहाँ पे आप म्यूजिक बना के उस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली एज एन एबल्टन लाइव प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो और इजीली इंपोर्ट कर सकते हो एबल्टन के अंदर। और आपने ये भी नोटिस किया होगा मेरे चैनल पे इतने सारे मैंने प्रोडक्ट रिव्यूज किए हैं, तो उनमें से कितने सारे ऐसे थे जिनके साथ एबल्टन लाइव लाइट आपको फ्री मिलता है। इन शॉर्ट, एबल्टन की जो मार्केट पे पकड़ है वो बहुत तगड़ी है और एटलीस्ट आने वाले कुछ सालों तक मैं वो चीज़ चेंज होती हुई नहीं देख पा रहा हूँ। एबल्टन इज गोइंग टू डोमिनेट दैट सेक्टर। अच्छा, मैं भूल गया कि थोड़ी एबल्टन की ज्यादा तारीफ होगी। दिस इज नॉट टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजन और ये वीडियो एबल्टन स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। मजाक में बहुत खर्चा हो गया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटअप के अंदर। जाने से पहले आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको अल्टीमेटली एक फाइनल कॉल तो लेना ही होगा। हर एक डॉ के कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट जरूर है। आपको कोई ना कोई वीडियो और वीडियोज के नीचे कोई ना कोई कमेंट उस डॉ का माइनस पॉइंट गिनाने वाला मिल ही जाएगा। तो अगर सबकी सुनने जाओगे तो कभी भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। ग्रेट म्यूजिक इज बीइंग मेड ऑन एवरी डॉ, सो जस्ट पिक वन एंड गो ऑल इन। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी। बी गुड, डू गुड, सेरेंडिपिटी विल फॉलो।